हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पूनम की दुनिया में। तो ये देखिए, आज है मंगलवार और अभी है सुबह का टाइम। तो अगर आप भी मेरी तरह माँ हैं और तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गई होंगी कि बच्चे को अकेले संभालना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह कोई ऐसा काम भी नहीं है जो आप ना कर सकें। अगर आप भी बच्चे के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां और दूसरे कामकाज खुद ही देखते हो तो टेंशन और तनाव थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आज इसी के बारे में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे जो खाना वाना बनाना होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मेरे अक्षु सो रही होती है, सारिका तो बड़ी है, जब अक्षु छोटी सो रही होती है तो उस टाइम पे मैं सोचती हूँ खाना वगैरह बनाने का जो काम है वो जल्दी से जल्दी मैं कर लूँ। और साथ ही जो अगर टाइम बचता है तो मैं सोचती हूँ छोटे मोटे जो काम बचे हैं उनको भी मैं करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो उठ जाते तो मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो आप भी इस तरीके से कोशिश कर सकते हैं। मतलब जब बच्चा सो रहा हो कोशिश करें खाना बनाने का काम उस टाइम पर निपटा लें, क्योंकि सबसे बड़ा काम होता है खाना बनाना। तो और खाना बनाना ही मुश्किल आता है और बच्चे को गोद में लेके तो खाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ये मैं अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता रहता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब बच्चा सो रहा हो उस टाइम पे मैं अपने खाना बनाने का काम और जो छोटे मोटे जो काम होते हैं वो भी निपटाने की पूरी कोशिश करती हूँ मैं उस टाइम पर। और ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि घर जो है एकदम सेट रहे, मतलब जहाँ से जो चीज़ उठाएं उसको आदत डालें वहीं पे रखने की, ताकि घर ज़्यादा फैला फैला ना लगे। और जैसे कई बार कोई आ जाए तब भी आपको ये ना लगे कि हाँ घर फैला है, एकदम से सफाई करनी है, आप पे फिर ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है उस टाइम पर। तो ज़्यादातर ये कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ से जो सामान उठाया है हमें वहीं पर रखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि ना हमारा सामान सेट का सेट रहे। फ्रेंड्स, अभी जो है साफ सफाई का जो मॉर्निंग का काम होता है वो सारा हो चुका है, और अभी जो है अब मैं कराऊंगी सारिका को उसका हॉलीडे होमवर्क। तो हॉलीडे होमवर्क बहुत सारा मिला है, तो धीरे धीरे रोल रोल कराऊंगी तभी इसका कंप्लीट होगा, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा स्लो करती है बहुत ज़्यादा धीरे लिखती है, और डेली डेली इसको थोड़ा थोड़ी देर बिठाऊँगी, पता क्या थोड़ी देर करके थक जाती है, फिर थोड़ी देर करके रख देती है और फिर थोड़ा खेलती है, फिर कराती हूँ। ऐसे ऐसे इसका हॉलीडे होमवर्क है जो मैं करा रही हूँ। और इधर देखो हमारी अक्षु को, अक्षु वॉकर में है। तो चलो मैं इसको कराती हूँ हॉलीडे होमवर्क, और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। जब तक आप लोग बने रहना हमारे ब्लॉग में, ब्लॉग को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और साथ ही अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे जो आने वाली वीडियो वो भी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अभी मिलते हैं हम थोड़ी देर में आपसे। और हम लोगों को ना हर एक काम का शेड्यूल बना के रखना चाहिए। जैसे मेरा है, जैसे मैंने बना रखा है कि किचन साफ़ किस दिन करनी है और कपड़े किस दिन धोने हैं, तो ये सब ना शेड्यूल मैंने बना के रखा हुआ है। तो इस तरीके से शेड्यूल बनाने से ये होता है कि आपका काम ना मतलब डिवाइड हो जाता है कि इस दिन मेरे को ये करना है, इस दिन मेरे ये करना है, तो इसलिए ना ज़्यादा एकदम से करने से प्रेशर नहीं पड़ता। और किचन वगैरह की जब सफाई करनी हो तो एकदम से सारा सामान फैलाना नहीं चाहिए, मैं कभी भी ना सारा सामान एकदम से फैलाते नहीं हूँ, मतलब डिवाइड करके करती हूँ, जैसे कभी एक पोर्शन कर लिया। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने भी खाना वगैरह खा लिया है, और ये देखो हमारी अक्षु भी खाने पीने के बाद सो चुकी है, और सारिका हमारी अभी इधर उधर खेलने लग रही है, यहाँ बैठी है। थोड़ा सा होमवर्क किया था और फिर रख दिया था, अब दोबारा से मैंने उसको बिठाया होमवर्क के लिए, अभी बैग में से देखो नोटबुक निकाल रही है अपनी। मम्मी ऐसी वाली इसमें कराना है, हाँ चलो इसमें कराते हैं अभी। तो जब मैं कराती हूँ तो इसका होमवर्क मैं करा रही हूँ अभी, और मैं भी थोड़ा सा लेट ही हुई थी, सो तो नहीं रही थी क्योंकि सोना, फिर इसको होमवर्क कराना है, और फिर सोती हूँ ना फिर सारी का उठा के देती है, इसलिए सोती नहीं हूँ मैं दोपहर में, बस थोड़ा सा लेट जाते हैं तो हाँ कमर सीधी रहती है, क्योंकि कमर में ना मुझे बहुत ज़्यादा दर्द रहता है इस वजह से। तो चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आपसे, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं हम भी। तो फ्रेंड्स, अभी हो गया है शाम का टाइम, तो शाम का टाइम हो गया यानी कि चाय का टाइम। तो अभी मैं बनाने आ गई थी अपने लिए चाय, तो मैंने चाय चढ़ा दी है और उसमें चीनी पत्ते वगैरह सब है जो डाल रही हूँ,
और उसके साथ ही फिर खाने के लिए भी सोचना पड़ता है कि क्या बनाए। तो इससे मैं क्या करती हूँ, पहले से मैं डिसाइड करके रखती हूँ कि मेरे को खाने में क्या बनाना है, क्योंकि ना अचानक से फिर ना बनाते हैं ना तो जल्दी से बन जाता है, नहीं तो उस टाइम पे सोचते रहते हैं और लेट होता है। तो इसलिए मैंने पहले से सोच के रखा हुआ मैं आज क्या बनाऊँगी। तो ये देखिए मेरी रखी हुई है घिया, तो मैंने आज सुबह ही सोच लिया था कि आज मैं शाम को बनाऊंगी कोफ्ते। तो ये ना 1 किलो घिया ले रखी है, लेकिन इसमें चार घिया है मतलब छोटी छोटी, तो मैं ना आज एक ही घिया बनाने वाली हूँ, क्योंकि हम दो लोग तो हैं खाने वाले, सारी का कितना खाती है थोड़ा सा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, एक ही घिया बनाऊँगी, वही हम दोनों के लिए हो जाएगी। तो अभी मैं ना चाय भी मेरी बन रही है, और साथ ही साथ मैं अपना जो है यहाँ पे घिया भी छील लूँगी और उसे कद्दूकस कर लूँगी, क्योंकि अक्षु उधर अभी खेल रही है सारिका को, थोड़ा सा ना मैं उसको बोल के आई हूँ उसको थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि सारिका थोड़ी सी बड़ी है तो उसका थोड़ा सा मतलब इतनी बड़ी भी नहीं है, मतलब थोड़ा सा संभाल लेती है, थोड़ा सा उसको बोल के आती, थोड़ी बहुत देर छोड़ देती हूँ। तो ये देखिए इधर जो है मैंने अपने कद्दूकस कर दिए अपने घिया, और इधर मेरी चाय भी बन गई है। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी चाय पीने के लिए, उसके बाद आने के बाद बाकी का जो है करूँगी। अभी अक्षु जो है मेरी वॉकर में घूम रही है, उसको मैंने छोड़ रखा था वॉकर में यहाँ पे, क्योंकि सारी का संभाल नहीं पा रही थी, रोने लग गए थे, वॉकर में छोड़ा था, खुश हो गई थी, वॉकर में यहाँ खेल रही थी। तो मैं अभी आ गई यहाँ पर चाय पीने के लिए, तो अक्षु भी आ गई यहाँ पर मेरी गोद में, उसको भी थोड़ा सा गोद में आना होता है। तो यहाँ पे जो है अभी मैं चाय पी चुकी हूँ, और यहाँ पे मैं ना बोलती हुई जा रही थी पहले, लेकिन ना वो कूलर चल रहा ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है कूलर की, तो इस वजह से ना मैंने यहाँ पे फिर म्यूट कर दिया था, तो बाद में वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो चाय पी करके आ गई थी, सारे वो कप वगैरह जो है ले आई थी यहाँ पर, और अभी मैं बनाना शुरू कर दिया अपने पकौड़े। तो ये देखिए यहाँ पे जो है मिक्सचर मैंने रेडी कर लिया पकौड़े बनाने के लिए, और ये मैंने डाल दिया कढ़ाई में, और जो है प्याज वगैरह भी है चॉप मैंने कर लिया मसाला। तो सब्ज़ी अभी मैंने छौंक दी है, मेरे कोफ्ते बन गए हैं, सब्ज़ी छौंक दी है, बन रही है अभी सब्ज़ी। और अभी अक्षु रो रही थी तो ले लिया मैंने अक्षु को अपनी गोद में, और ये देखो हमारी सारिका क्या कर रही है, ये सारिका हमारी खा रही है टमाटर, देखो उसको टमाटर बहुत पसंद है, तो ये टमाटर खा रही है, और इसको ना यहाँ पे लिप्स में ना बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, शायद थोड़ा सा ना स्किन वगैरह निकल रही होगी, निकाल दी होगी इसने, तो टमाटर खा रही है, इसको बहुत ज़्यादा वहाँ पे जलन से हो रही है, और तब भी टमाटर खाई जा रही है, देखो अच्छा क्या टमाटर। और ये अक्षु को देखो हमारी, मेरा छोटा सा बच्चा गोद में चढ़ जाता है, काम करना होता है ना तो उसको गोद में लेके कई बार काम करना पड़ता है मेरे को, एक हाथ से इसको गोद में लेती हूँ और एक हाथ से काम करती हूँ, हंस रही है देखो। बातें सुनती है जैसे इसको सारा कुछ समझ आ रही है मेरी बातें। तो चलिए अभी सब्ज़ी बन रही है, अभी फिर अभी सब्ज़ी बन जाएगी, फिर सारिका को खाना वाना खिलाएंगे। बाकी चावल तो अभी बनाने नहीं है, क्योंकि चावल मैंने दोपहर में बनाए थे, वो चावल मेरे रखे हुए हैं, तो अभी वही हो जाएंगे, और रोटी जब हस्बैंड जी आएंगे तब बनेंगे। सारिका देखते हैं रोटी खाएगी या चावल खाएगी, जो खाएगी वो खा लेगी, चावल खाएगी तो चावल रखे हुए हैं, और रोटी खाएगी तो रोटी बना दूँगी मैं इसके लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरे कोफ्ते की सब्ज़ी भी जो बन चुकी है, काफ़ी दिनों बाद मैंने बनाया आज कोफ्ते की सब्ज़ी, और यहाँ पे ना सारिका के लिए कहते चावल खाने, चावल मैंने दे दी थे, वो लेकर भाग रही थी यहाँ पे। तो अभी सारिका अपना खाना लेकर के चली गई है, और अब ये खाएगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए अभी बज गए हैं 8:15, वो दिख रहा है 8:15 बज गए हैं, और अभी सारिका खाना खाएगी, और अक्षु को भी मैं थोड़ा सा कुछ खाना वाना खिलाऊंगी। क्या अच्छा मैं खिलाऊंगी, चलो आपको खाना सीखना है, मैम ने बोला है। तो चलिए अभी मैं इसको खिलाती हूँ खाना, और अक्षु को भी खिलाती हूँ, फिर अक्षु भी सोएगी, बहुत देर से सोएगी। तो फ्रेंड्स अभी देखो ये हमारी अक्षु सो गई है, और सारिका भी सो गई है, देखो दोनों सो चुके हैं, और अभी बजे हैं 9:30, तो ये दोनों सो चुके हैं, और अभी हस्बैंड भी आएंगे थोड़ी बहुत देर में आने वाले होंगे, 9:30 तो हो गए, कभी 9:45 तक आते हैं, कभी 10 बजे आते हैं, तो उनका यही टाइम है, और फिर वही हम खाना वाना खाएंगे, खाना वाना खाते खाते 12 बज जाते हैं, और वही रोज का वही लेट हो जाता है सोना, और उसके बाद फिर सुबह फिर जल्दी से उठना पड़ता है, रोज का यही रूटीन है मेरा। तो अभी ये लोग तो सो गए हैं, और बस हस्बैंड भी आने वाले हैं, तो मैं इसलिए उठ के आ गई हूँ, क्योंकि फिर वो आके बैल बजा देते हैं,
तो बैल की आवाज़ सुन के दोनों उठ के बैठ जाती हैं, बहुत शांति में सोती हैं, क्योंकि इसलिए मैं पहले से उठ जाती हूँ और पहले से ना गेट खोल के गेट पे खड़ी रहती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी आएंगे ना तो फिर गेट बजाते नहीं है, तो इसलिए फिर मैं पहले ही खोल देती हूँ। तो अभी मैं करूँगी अपना वीडियो वगैरह थोड़ा सा एडिट करूँगी, हस्बैंड जी आते हैं ना, ये थोड़ा टाइम होता है मेरे पास, तो मैं इस टाइम पे अपनी वीडियो वगैरह एडिट कर लेती हूँ। तो इसी के साथ फ्रेंड आज की वीडियो फिर यहीं पे आज की एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली में, दोस्तों में, फ्रेंड्स में, सब में शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर तक के लिए बाय।